सब्सक्राइब करिए डॉक्टर लैब को, प्रेस करिए बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल इंफॉर्मेशन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेडी साइंस के सेकेंड एपिसोड में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ इंटरेस्टिंग बातें, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अक्सर हमने देखा है कि लोग विटामिन की गोलियां खाते हैं कभी कोई बीमारी होने पर या किसी प्रकार की शारीरिक कमजोरी होने पर। अक्सर हमें डॉक्टर भी विटामिन की गोलियां खाने के लिए सलाह देते हैं, लेकिन क्या हो अगर आपको पता चले कि ये गोली आपकी सेहत के लिए कोई फ़ायदा ही नहीं कर रही हो, या फिर आपको इस गोली से कोई खासा फ़ायदा ही नहीं हो रहा हो। जी हाँ, एक अध्ययन में सामने आया है कि विटामिन, कैल्शियम और मिनरल की गोलियाँ सेहत पर कोई खासा फ़ायदा नहीं देती हैं। अध्ययन के अनुसार आम तौर पर खाने में मिलने वाले पोषक तत्व की भरपाई के लिए जो लोग विटामिन और कैल्शियम मिनरल की गोलियाँ खाते हैं या फिर उसके पाउडर लेते हैं, जिससे सेहत पर कोई खासा फ़ायदा नहीं होता है। मतलब अध्ययन के अनुसार जो हम लोग विटामिन, कैल्शियम, मिनरल की गोली खाते हैं या पाउडर लेते हैं, उसका हमारी बॉडी पर खासा फ़ायदा नहीं होता है। हालांकि इससे कोई नुकसान भी हमारे शरीर को नहीं होता है, पर इससे खासा कोई फ़ायदा भी नहीं है हमारी बॉडी को। कनाडा में सेंट माइकल हॉस्पिटल और टोरंटो विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं में एक अध्ययन में पाया गया कि पूरक आहार के तौर पर मल्टीविटामिन, विटामिन डी, कैल्शियम और विटामिन सी सबसे अधिक लिया जाता है। इससे कोई लाभ तो नहीं होता हमारी बॉडी को, और हालांकि इससे कोई खतरा भी नहीं है। कहने का मतलब यही हुआ, जितनी भी हम मल्टीविटामिन गोलियां खाते हैं या कैल्शियम पाउडर लेते हैं, उसका हमारे शरीर पर खास कोई फ़ायदा नहीं होता है और इसका कोई नुकसान भी नहीं होता है। मेडिसाइंस के सेकेंड एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिएगा। अगर आपने मिडी साइंस के फर्स्ट एपिसोड को नहीं देखा है तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।